अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अहमद खान साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह के आज हमारे नए मेंबर मुंतखब होके आए हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह ये अपने सूबे और अपने हलके में अच्छा किरदार अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, गुजारिश है कि जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, ये बात बहुत अच्छी हुई है। लेकिन साथ ये भी है कि उनकी ये ड्यूटी थी, ये उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने जो काम किया है तो इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं हुई। जिस तरह आपकी ड्यूटी है, जिस तरह मेरी ड्यूटी है, मैं मेंबर हूँ, आप स्पीकर हैं, आप अपनी ड्यूटी करते हैं, मैं अपनी ड्यूटी करता रहा, इन्होंने जो काम किया है वो हम पे कोई लिहाज नहीं है। वो उनकी ड्यूटी थी और उनकी मजबूरी थी कि उन पर इतना जोर पड़ गया था कि उन्होंने वो इलेक्शन जो है सही तरीके से किया। दूसरी गुजारिश इस तरह है कि जिस तरह मेरी बहन ने कहा गुरूर, गुरूर का जो बात होती है, जो गुरूर करता है वो बुरी तरह उसको शिकस्त होती है। मरियम नवाज ने इंतहाई गुरूर किया और मरियम नवाज को गुरूर के बदले में इंतहाई किस्म की शिकस्त खानी पड़ी। अगर वो गुरूर न करती तो इस तरह ना होता। आप उसका बयानियां सुन लें, उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, उसने इंशाल्लाह नहीं कहा, उसने पैसे के जोर पे और अपने जाती जोर पे और अपने मशीनरी इस्तेमाल करके जोर किया और उसे आज मुंह की खानी पड़ी। मैं अपनी तरफ से जो लोग पंजाब में मुंतखब हुए हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह मजीद भी जो आदमी तकबर करेगा, जो गुरूर करेगा, उसका इंशाल्लाह मुंह काला होगा। जनाब